झील के अंदर लगातार पक्षियों की बड़ी त्रासदी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कामरूप जिले में हर साल हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन सांप के साथ साथ दूसरे पक्षी अपना जीवन चक्र बढ़ाने के लिए सामर झील में आते हैं, मगर दुर्भाग्य से 17,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी काल कवलित हो गए और देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी के रूप में विश्व के पटल पर एक बार फिर राजस्थान की नाकारा सरकार की वजह से कहीं कहीं देश की साख पर सवाल उठे। माननीय, 15 दिन बीत जाने के बाद अभी तक ये सही रूप से पता नहीं चल पाया कि हजारों की तादाद में इतने पक्षियों की मौत कैसे हुई। राजस्थान में कोई लेब जांच के लिए नहीं है, केंद्र से भी टीम गई मगर पक्षियों का मरना लगातार जारी है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार बड़े स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए हस्तक्षेप करे और टीम भेजकर बचे हुए पक्षियों का रेस्क्यू वहां पर करवाए तथा रेस्क्यू में जो लापरवाही हुई है उसकी उच्च स्तर पर जांच भी करवाई जाए, कार्रवाई करें। दूसरा इसमें एक कारण यह भी है अध्यक्ष महोदय कि बरसाती नदियों का सम्मिलित क्षेत्र में अतिक्रमण भारी तादाद के अंदर हो गया। एक निजी रिजोर्ट को पूर्व की सरकार ने साल्ट लेक की जमीन लीज पर दे दी, लगभग 431 भूमि जो बीघा भूमि उसमें अतिक्रमण है। इसमें इसके पक्षी त्रासदी का यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है, मगर तत्काल इस पर उच्च स्तरीय निर्णय जरूरी है क्योंकि एक साल्ट लेक का मामला केंद्र से भी जुड़ा हुआ है और राज्य सरकार कहीं न कहीं राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही। अध्यक्ष महोदय, तो आप इसमें तत्काल करें नहीं तो साइबेरियन शार्क खत्म हो जाएंगे या आना बंद हो जाएंगे। ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।